हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईरेप एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स परसेंटेज प्रैक्टिस सेशन टू। प्रैक्टिस क्लास टू है आज हमारी। तो ये सारी डिटेल्स हैं चैनल की, आईरेप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे चैनल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड ये हमारी वेबसाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, लाइक क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे। अगर एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर कोडिंग लैंग्वेज सारी और जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे उन पर फोकस किया जाता है, साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाता है। एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इफ़ 80% ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू द 50% ऑफ बी एंड बी इज़ इक्वल्स टू द एक्स परसेंट ऑफ ए, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए 80% ऑफ ए को, अब ऑफ का मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई से रिलेट करता है। इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का, ये दोनों का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अब 80% को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि हमें पता है कि 1/5 हमारा 20% होता है, तो इसमें हम 4 से दे देंगे तो ये 80% बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें 4 से देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 4/5 इंटू ए इज इक्वल्स टू 50% पता ही हमें 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 ऑफ बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ए इज इक्वल्स टू b अपॉन 2 इंटू 5/4। इसको भी जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें 5/8b मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/8b। अब हमें निकालना क्या है कि b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x परसेंट, यानी कि x अपॉन 100 इसको लिख सकते हैं, इंटू में a दिया गया है। a की वैल्यू हमारे पास है तो b इज इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू, a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 5/8b। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 100 इंटू 8/5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 5 टू जा 10 एंड 0, 2 एट जा 16, यानी कि 160 आपका आ जाएगा आंसर। तो a की x की जो वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 160। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कि 8% ऑफ x इज़ द सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज़ द सेम एज, तो 20% ऑफ किसके बराबर होगा। तो देखिए 8% को हम लिख सकते हैं 8/100 इंटू में x, 8% ऑफ है ये, ठीक है, तो ये x चला जाएगा। इज सेम एज तो इज इक्वल्स टू 4% ऑफ, तो 4/100 इंटू y। तो अब हमें बताना है कि 20% ऑफ x क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे x दिया गया तो हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ईजिली पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि x बराबर y 4y/100 इंटू यहाँ पे 100/8 हो जाएगा। इससे 100 चला जाएगा, 4 1 4 4 2 8 हो जाएंगे, यानी कि y 2 आ जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 20% यानी कि 20/100 इंटू x की वैल्यू क्या है, y 2, यहाँ पे y 2 कर देंगे, y से ये चला जाएगा 10y, तो आपका बन जाएगा 10, यानी कि 1/10, यानी कि यह बन जाएगा 10%। तो आप क्या लिख सकते हो, y का 10% या 10% ऑफ y, हिंदी में लिखना है तो y का 10%, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर दिया गया है कि इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी कि अगर हम पूरी कैपेसिटी या पूरी टोटल स्ट्रेंथ देखें एक स्कूल की, तो वो 100% होती है। तो 100 में से अगर 70% गर्ल्स हैं तो हमारे पास 30% बॉयज़ बचेंगे। तो ये हमने बॉयज़ निकाल दिए, पहले ही नाम से हमें बॉयज़ की परसेंटेज पता लग गई। द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दिया है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमारे पास हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, 510 है। परसेंटेज की बात करें तो 30% है, और वैसे बात करें तो 510 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए टोटल स्ट्रेंथ टोटल परसेंटेज में हमें पता है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ हमें नंबर में नहीं पता। तो हमें इतना पता है कि 510 30% के इक्वल है, ठीक है, 510 30% के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30% इज इक्वल टू 510। तो 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा इतना,
ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, कहीं 30% का परसेंटेज साइन हटाएंगे नीचे आ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1700 की स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ अगर हमने देखी कि 100% के हिसाब से तो कितनी वैल्यू बनी, 1700, यानी कि उस पूरे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ जो है पूरे स्कूल की, वो है हमारे पास टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है 1700। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इजी सवाल था। व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60, तो द नंबर इज, तो काफ़ी इजी है। देखिए, जब 60 को हम किसी भी नंबर के ऑफ अ नंबर 60% अगर हम किसी भी 60% ऑफ अ नंबर में से 60% को माइनस करते हैं तो हमें आंसर भी 60 मिलता है। तो बताना है कि वो नंबर क्या था, तो उसको एक्स मान लेते हैं। इसका अगर हम 60% लिख दें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें 60 माइनस कर देंगे और रिजल्ट भी इसका 60 ही आ रहा है। इसको थोड़ा और इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये आपका 120 हो जाएगा, इधर आके एडिशन में चला जाएगा। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 62 जा, ठीक है, तो इतनी बार ये आपका कट जाएगा, सॉरी 62 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 100, यानी कि 200। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर और इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20। देखिए, दो नंबर दिए, एक लार्ज है एक छोटा है, यानी कि ए माइनस बी लगा लेते हैं क्योंकि डिफरेंस बोला गया है। तो इसमें से एक कोई बड़ा है एक छोटा है, लेकिन स्मॉलर नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है फिर इसका मतलब। और ये दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ अ लार्जर नंबर, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो ये 20% होगा ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर की वैल्यू हमने ए मान के रखी है। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ए इज इक्वल्स टू 20, ए माइनस 20, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 ऑफ अ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर हमें नहीं पता है अभी, तो इसको हम इस तरीके से कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे इसको लेकर आएंगे तो आपका आ जाएगा ए माइनस के 20, या इसको इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा 20, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो दोनों वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, 20 a माइनस के इधर और यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, 100 a माइनस के 20 a, तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 a माइनस 20 a करोगे तो 80 a आपको मिलेगा, अपॉन 100 मिलेगा, यहाँ पे 20 है। इस वैल्यू को आप इधर ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा 80 a इज इक्वल्स टू 2000, जीरो से आपका जीरो गया, ठीक है, और इसको आप काट सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 0, और ये आपका आ जाएगा 25, तो आंसर आपका आ जाएगा 25। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, ए की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो, काफ़ी इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी, जैसा लिखा है वैसा हम लिख लेते हैं कि 50% 15% इस तरीके से, इसको आप 3/5 भी लिख सकते थे। तो ये आपका आ जाएगा, अब ये किसका है, ए माइनस ए प्लस बी का, और बराबर 25% ऑफ ए माइनस बी है। तो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए, तो कितने परसेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 100 से तो आपका 100 चला जाएगा, 5 से ये करेगा, 5 3 जा 15 होते हैं, 5 5 जा 25 होते हैं, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की अगर आप वैल्यू देखना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी 5/3। यहाँ से हम इजीली ए और बी की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें से इजीली हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिख पाओगे, ए प्लस बी बराबर 5 लिख सकते हो, ए माइनस बी बराबर आप 3 लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो 2a बराबर 8 मिल जाएगा, तो a की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। और b की बात करें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, यहाँ से यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी में भी, तो b की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी ना, b की, क्योंकि यहाँ की 4 है, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1 मिल जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगी। अब यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते थे कि a की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4b हो जाती है, की वैल्यू आपकी 4b हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, a अपॉन b इंटू में 100 करेंगे अगर उसको परसेंटेज वैल्यू बनाना है। तो a की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि a की वैल्यू हमने निकाली 4b के बराबर है, तो 4b अपॉन b कर देंगे और ये बराबर 100 के हो जाएगा, इंटू 100 सॉरी।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये 400% आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि ए बी का 400% के इक्वल है, ए बी ए के 400% के इक्वल है। तो ये काफ़ी इजी था, इसको सॉल्व करने में हमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। ये हमें इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पेन सेलेक्ट करके 100 × 75 इस तरीके से हम लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है इजीली, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 गया आपका, 2 6 12 2 9 18, 3 2 6 9 आपका, ये नीचे पहुँच जाएगा आपका, तो 75/3 ये आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर ईजिली हमने आंसर निकाल दिया कि ये 25 के इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टली 20% and 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता ही है 20%। देखिए 20/100 लिखेंगे, इसको भी 50/100 लिखेंगे, यानी कि ये 100 में से है, ये भी 100 में से है। तो थर्ड नंबर को हम 100 ही मान लेते हैं कि थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर 20 है, सेकेंड नंबर हमारा 50 है, एंड थर्ड नंबर हम क्या मान लेंगे हमारा 100 है। वॉट परसेंटेज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर निकालना है कितना परसेंट होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई दे देंगे। 0 से 0 का या 2/5 आपका कितना हो जाता है 40%। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/5 आपका हो जाता है 20%, इधर 40 निकालना तो 2 से इधर देना पड़ेगा, तो 2 से इधर भी दोगे तो 2/5 कितना हो गया 40% हो गया, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर एक्स इज 10% लेस देन एंड अनदर नंबर वाई, एंड वाई इज 10% मोर देन 125, देन एक्स इज इक्वल्स टू। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि अगर पहले हमें वाई का दिया है कि वाई जो, क्योंकि एक्स का तो हमें पता नहीं है कि ये कितने से है कम, तो लेकिन एक्स का ये बोला गया कि ये वाई से, वाई का जो ये नंबर होगा यहाँ पे उससे कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाई का हम पहले निकाल सकते हैं क्योंकि ये 125 से कम बताया गया है। तो हम बोलेंगे कि ये 125 से अगर कम बताया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 125। देखिए इसमें बोला गया है कि वाई इज 10% लेस, मोर देन बोला गया है कि वाई इज 10% मोर देन 125, तो इसका ही 10% मोर देन है, इसका हम 10% निकाल देंगे। तो इसका 10% कितना आ जाएगा भैया, तो उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे, ये वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो 0 से आपका 0 चला जाएगा, यह आ जाएगा 12.5। अब इसके अंदर हम जब 12.5 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा हमारा 5.731 137.5 इसका बैठ रहा है कि ये y की वैल्यू हमारी रहेगी। तो y की इस वैल्यू से 137.5 से ये 10% कम है x की वैल्यू, तो इसको हम लिख देते हैं। तो 137.5 कुछ रही होगी, इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि इससे कम है, कितनी, तो 137.5 का 10%, जैसे कि हमने वाई का निकाला था, तो उसी तरीके से इसको निकाल देंगे, तो यह आ जाएगा 13.75। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा तो 13.75 आ जाएगा, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 13.75 माइनस करेंगे 5 आपका बचेगा, ये उठ हो जाएगा 15, यानी कि 5 और 2 10 5 और 2 7, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 बचेगा पॉइंट, ये यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो ये आपका x की वैल्यू हमने निकाल दी। काफ़ी इजी था, जो क्वेश्चन में बोला गया था बस उसी को हमें फॉलो करना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 123.75 इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है ये हमारा आज का। द रेशियो ऑफ 5:4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इक्वल्स, तो काफ़ी सबसे सिंपल सवाल रखा है लास्ट वाला, इसको रेशियो को हम क्या भी लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में बनाना है तो इनटू हम 100 का दे देंगे, ये आपका 25 बार जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 125%। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चंस आज के, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रैक्टिस सेशन 3 करेंगे जल्दी से जल्दी, तो उसके अंदर मिलेंगे। थैंक यू।